ओम शांति। आज 3 अप्रैल 2022 आज की अव्यक्त मुरली है, जो बाबा ने 1 मार्च 1990 को सुनाई थी। संगम पर परमात्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन, संगम पर परम आत्मा का आत्माओं से विचित्र मिलन। क्योंकि बाबा विचित्र और हम आत्माएं भी विचित्र। विचित्र का अर्थ होता है विशेष चित्र, एक ऐसा चित्र जिसको हम बना नहीं सकते, इतना सूक्ष्म कि जिसको हम इन स्थूल आंखों से देख भी नहीं सकते। दुनिया के किसी सूक्ष्म दर्शी यंत्र से भी नहीं देख सकते। केवल ज्ञान के तीसरे नेत्र से, बुद्धि के द्वारा हम इसे समझ सकते। आज अनेक बार मिलने वाले, आज अनेक बार मिलने वाले, पहली बार मिलने वाले नहीं, कोई हो सकता है पहली बार जो मिले बाबा से? जो भी मिल रहा है वो अनेक बार मिल चुका है, जो नहीं मिला वो कभी नहीं मिला। सीधी बात है, मिला है तो वो अनेक बार मिला है, और नहीं मिला है तो कभी नहीं मिला और कभी नहीं मिलेगा। मतलब जिस समय हम मिल रहे हैं उस समय हम अनेक बार मिले हैं और अनेक बार, अनगिनत बार मिले हैं और अनगिनत बार मिलेंगे। यदि आज नहीं मिले तो अनगिनत बार आज के दिन नहीं मिले और अनगिनत बार आज के दिन नहीं मिले, नहीं? आज अनेक बार मिलने वाले सिक्की लदे बच्चे फिर से आकर मिले। बाप भी उसी पहचान से बच्चों को देख रहे, बाबा की भी यही पहचान है कि अनेक बार मिले हो, और बच्चे भी उसी अनेक बार मिलने वाली स्मृति से मिल रहे। ये आत्मा और परम आत्मा, ये आत्मा और परम आत्मा बाप का विचित्र मिलन है। सारे कल्प में कोई भी आत्मा इस स्मृति से नहीं मिलती, इस स्मृति से नहीं मिलती कि अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले। कोई भी आत्मा किसी से मिलती है तो क्या कहते हैं? पहली बार मिले, पहली बार मिले। परंतु हम अनगिनत बार मिल चुके हैं, अनगिनत बार मिलेंगे। जो काम हम कर रहे हैं पहली बार नहीं कर रहे हैं, अनगिनत बार कर चुके हैं, अनगिनत बार करेंगे। हर एक्ट, चाहे वो अच्छा है तो चाहे वो
बुरा। हर एक्ट अनेक बार मिलने के बाद फिर से मिले हैं, चाहे समय प्रति समय धर्म पिताएं आए हैं और अपने फॉलोअर्स को ऊपर से नीचे लाए। फॉलोअर्स को क्या किया उन्होंने? ऊपर से नीचे लाए। लेकिन धर्म पिताएं भी इस स्मृति से नहीं मिलते। वो धर्म पिता भी पहली बार नहीं आए, अनगिनत बार आए, अनगिनत बार आएंगे, परंतु उन धर्म पिताओं को भी ये बात स्मृति में नहीं रहती कि हम अनेक बार अनगिनत बार मिल चुके हैं और अनगिनत बार अनेक कल्प मिले फिर से मिल रहे हैं। इस स्पष्ट स्मृति से सिवाय परम पिता के कोई आत्माओं से मिल नहीं सकता। इस स्पष्ट स्मृति से सिवाय परम पिता के कोई भी आत्माओं से मिल नहीं सकता। चाहे इस कल्प में पहली बार ही मिलते हों, लेकिन मिलते ही क्या हो जाता है? पुरानी स्मृति, पुरानी पहचान को जो आत्माओं में संस्कार के रूप में रिकॉर्ड भरा हुआ है, वो इमर्ज हो जाता है। और दिल से यही स्मृति का आवाज आता कि ये वही मेरा बाप। बच्चे कहते तुम हो मेरे, और बाप कहते तुम हो। मेरा संकल्प उत्पन्न हुआ उसी सेकेंड, उस शक्तिशाली स्मृति से, संकल्प से नया जीवन और नया जहान मिल गया, और सदा के लिए मेरा बाबा इस स्मृति स्वरूप में टिक गए, टिक गए। जैसे कि स्मृति स्वरूप बने तो स्मृति के रिटर्न में समर्थी स्वरूप बने। जैसे ही आप में ये स्मृति आई, उसके साथ ही आप क्या बन गए? समर्थ भी बन गए। सामर्थ्य स्वरूप बन गए ना, समर्थ स्वरूप बन गए ना, कमजोर स्वरूप तो नहीं हो ना। और जो जितना स्मृति में रहते हैं उतना समर्थियों का अधिकार स्वतः ही प्राप्त करते हैं, स्वतः अपने आप ही प्राप्त करते हैं। जहां स्मृति है वहां समर्थी है, ही है ही। थोड़ी भी विस्मृति है तो व्यर्थ है। चाहे व्यर्थ संकल्प हो, चाहे बोल हो, कर्म हो, इसलिए बाप दादा सभी बच्चों को इसी दृष्टि से देखते कि हर एक बच्चा स्मृति स्वरूप सो समर्थ है, स्मृति स्वरूप सो समर्थ है। आज तक भी अपना सिमरण भक्तों द्वारा सुन रहे हैं, अपना सिमरण भक्तों द्वारा क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं। अपने स्मृति में लाया मेरा बाबा, तो भक्त आत्मा भी यही सिमरण करते ही मेरा इष्ट देव, मेरा इष्ट देव वा देवी।
इष्ट देव वा देवी। जैसे आपने अति प्यार से दिल से बाप को याद किया, उतना ही भक्त आत्माएं आप इष्ट आत्माओं को दिल से, इष्ट आत्माओं को दिल से अति प्यार से याद करती है। आप ब्राह्मण आत्माओं में भी कोई दिल के स्नेह संबंध से याद करते हैं और दूसरे दिमाग द्वारा नॉलेज के आधार पर संबंध को अनुभव करते, क्या करते हैं, अनुभव करने का बार बार प्रयत्न करते हैं। जहां दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा, दिल का स्नेह और संबंध अति प्यारा अर्थात अति समीप है, वहां याद भूलना मुश्किल है। जहां सिर्फ नॉलेज के आधार पर संबंध है लेकिन दिल का अटूट स्नेह नहीं है, दिल का अटूट स्नेह नहीं है, वहां याद कभी सहज कभी मुश्किल होती, वहां याद कैसी होती है, कभी सहज कभी मुश्किल होती। जैसे शरीर के अंदर नस नस में ब्लड समाया हुआ है, ऐसे आत्मा में निष्पल का अर्थ है हर पल याद समाई हुई, मतलब कोई ऐसा पल नहीं जिस समय बाबा की याद समाई हुई। इसको कहते हैं दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद, दिल के स्नेह संपन्न निरंतर याद। जैसे भक्त आत्माएं बाप के लिए कहती हैं, जहां देखते हैं तू ही तू है, ऐसे बाप के स्नेही समान आत्माओं को जो भी देखे वे अनुभव करे कि इन्हों की दृष्टि में बोल में कर्म में परम आत्मा बाप ही अनुभव होता है, परम आत्मा बाप ही अनुभव होता है। इसको कहते हैं स्नेही, इसको क्या कहते हैं, स्नेही। तो समान बाप तो स्मृति स्वरूप तो सभी हो, स्मृति स्वरूप तो सभी हो, संबंध भी सभी का है और अधिकार भी सभी का है, क्योंकि सभी का फुल अधिकार का संबंध बाप और बच्चों का है, बाप और बच्चों का है। सभी कहते हैं मेरा बाप अधिकार का संबंध होने के कारण सर्व प्राप्तियों के वर्षे के अधिकारी हो, चाहे कोई 50 वर्ष वाले हैं,
चाहे 6 मास वाले हैं। मेरा कहने से अधिकारी तो बन ही गए, मेरा कहा और बाप की सारी जायदाद के क्या बन गए, अधिकारी बन गए। लेकिन अंतर क्या होता, फिर अंतर क्या होता है, बाप अधिकार तो सभी को एक जैसा देता है, क्योंकि अखुट वर्षा देने वाला दाता है। बाकी जितने भी बाप हैं वो हद के बाप हैं और वर्षा भी वो हद का देंगे, परंतु ये बाप कैसा है, अखुट खजाने का और बेहद की आत्माओं का और बेहद के खजानों का मालिक है। 2.5 लाख, 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने। 2.5 लाख क्यों कहा, पांच हजार साल में जो आई है, मुरली में बाबा कह रहा है ना, 2.5 हजार के 2.5 लाख बना दिए, लिखने वाले की गलती होगी। हाँ, जिस समय ये मुरली चली 1 मार्च 1990 को, उस समय तक ज्ञान में चलने वाले बच्चों की संख्या 2.5 लाख, कहीं समझे नहीं। हम 1990 के लास्ट में आए, हमारे से ये लगभग 9 महीने पहले की मुरली है, क्योंकि हम दिसंबर में आए और ये मार्च की मुरली है। उस समय बाबा के बच्चे बनने वाले सिर्फ 2.5 लाख बच्चे, जो उस समय की गिनती उन्होंने की। इसलिए बाबा ने 2.5 लाख का, 2.5 लाख तो क्या, लेकिन सर्व आत्माएं भी अधिकारी बने, उनसे भी अथाह खजाना बाप के पास, तो कम क्यों दे बाबा, कम क्यों दे। तो दाता सभी को देता एक जैसा है, लेकिन लेवता में फर्क है। कोई प्राप्तियों के वर्षे को व खजाने को समय प्रमाण स्वयं प्रति व सेवा प्रति कार्य में लगाकर उसका लाभ अनुभव करते। लाभ तो तभी मिलेगा जब बाबा से सातों गुणों का खजाना जितना हम स्वयं प्रति और दूसरों के प्रति कार्य में लगाएंगे। यदि हम कार्य में नहीं लगा रहे तो मिल नहीं सकता, आपका नहीं है वो बाप का, वो आपके नाम नहीं रहेगा। आपके नाम तो उतना रहेगा जितनों को प्यार बांटेंगे उतने आपको प्यार देंगे, जितनों को सुख बांटेंगे उतने सुख देंगे, जितनों शांत को शांति का अनुभव कराओगे, जिनको शक्तियां दोगे, जिनको सहयोग दोगे, जिनको सम्मान दोगे, जितना दोगे उतना आपको मिलेगा। नहीं दो तो नहीं मिलेगा, चाहे आप 50 साल से ज्ञान में चल रहे। ठीक है, फार्मूला समझ में आ गया। 50 साल से ज्ञान में चल रहे हैं,
परंतु हमने खजाने दिए ही नहीं किसी को, हमें मिलेगा भी? नंबर वार तो मिलेगा, मिलने का नियम क्या है ना? नियम की बात यहां ये है कि जितना बांटोगे तो मिलेगा, नहीं बांटोगे तो उसमें नंबर वार का कोई मतलब नहीं। इसलिए बाप का खजाना अपना खजाना बना देते, बांट के अपना बना देते हैं, अर्थात अपने में समा देते हैं। इसलिए हर एक खजाने को यूज करने के अनुभव से खुशी और नशे में रहते। शुद्ध नशा, उल्टा नहीं, शुद्ध नशा, उल्टा नशा नहीं। और दूसरा खजाना मिला, दूसरा खजाना मिला है, इस खुशी में रहते हैं, मेरा है, लेकिन सिर्फ मेरा है और उसको कार्य में नहीं लगाते हैं, उसका कोई भी मूल्य वस्तु का को सिर्फ अपने पास स्टॉक में जमा कर लिया, लेकिन सिर्फ जमा करने और यूज करने की अनुभूति में अंतर। एक अरब रुपया आपके खाते में बाप ने जमा कर दिया, परंतु आपने सारा जीवन मेरे खाते में एक अरब रुपया पड़ा है, मेरे खाते में एक अरब रुपया है, ये खुशी में सारा जीवन नाचते रहे, परंतु जब अगला जीवन लेंगे तो आपको कुछ नहीं। मजा लेना चाहिए। और यदि आपने एक अरब रुपया लेकर एक एक करोड़ रुपया सबके खाते में डाल दिया तो सारे आपको एक एक करोड़ रुपया देंगे। अरब रुपया आपने औरों को यूज किया, जब आपको जरूरत पड़ी तब आपको एक एक करोड़ रुपया मिलता, तो खर्च कर सकते हैं ना? आपने दिया नहीं तो आपको सारा कब मिलेगा नहीं ना, बैंक में पड़ा रहेगा, पड़ा रहे क्या वैल्यू है? तो करेगा वो ब्याज, बैंक ब्याज भी कमाएगा और दूसरे को भी देगा भाई, बैंक को भी फायदा होगा, दूसरों को भी फायदा होगा, आपको तो कोई फायदा नहीं होगा ना। एक जितना कार्य में लगाते हैं उतनी शक्ति और बढ़ती है, वे सदा नहीं करते, कभी कभी करते हैं, इसलिए सदा वालों में और कभी कभी वालों में अंतर पड़ जाता है। कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते, कार्य में लगाने की विधि यूज नहीं करते तो दाता अंतर नहीं करता, लेकिन लेवता में अंतर हो जाता है। आप सब कौन हो पूछ रहे हैं बाबू? हाँ जी, आज ये ना पूछ रहा है, आज पूछ रहा है कार्य में लगाने वाले या सिर्फ जमा देखकर खुश होने वाले? कैसे हो, पहले नंबर वाले हो या दूसरे नंबर वाले? बाप दादा को तो खुशी है कि सभी नंबर वन है, या इस समय नंबर वन हो? बाप दादा सदैव कहते हैं, सदा बच्चों के मुख में क्या होना चाहिए? मुख में गुलाब जामुन होना चाहिए। ठीक है, जो कहा वो किया, अर्थात सदा गुलाब जामुन मुख में है। दुनिया वाले कहते मुख में गुलाब,
लेकिन गुलाब से मुख मीठा नहीं होगा। इसलिए गुलाब जामुन मुख में हो तो सदा ही ऐसे मुस्कुराते रहें। अच्छा, कई नए नए फिर से मिलने पहुंच गए हैं, जो इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, उन बच्चों के लिए विशेष बाप दादा स्नेह का वरदान देते हैं कि सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो, जो इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं। कई तो पहली बार इस कल्प में मिलने आए हैं, परंतु कोई इस कल्प में फिर से मिलन मना रहे हैं, तो वो क्या याद रखें, सदा अपने मस्तक पर बाप का हाथ अनुभव करते चलो। जिसके सिर पर बाप का हाथ है, वो सदा इस वरदान के अनुभव से सब बातों में सेफ है। सिर पर हाथ होने का मतलब बाबा का तो हाथ ही नहीं है। हाँ जी, श्रीमत का हाथ मतलब बुद्धि में बाबा की श्रीमत हो, प्रयोग करने वाली, सुनने वाली नहीं, बुद्धि से बाबा की श्रीमत पर हम चल रहे हैं, तो बाबा का हाथ हमारे सिर पर है। और हाथ पकड़ के चलना माना भी बाबा की श्रीमत रूपी अंगुली पकड़ कर चलना भी बाबा की श्रीमत पर चलना। उसका हाथ है ही नहीं, उसकी अंगुली है ही नहीं, ना वो पकड़ाता और ना सिर पर रखता। पकड़ने और रखने दोनों के लिए हमें चलना है। ये वरदान का हाथ हर बात में आपकी सेफ्टी का साधन है। सबसे बड़े ते बड़ी सेफ सिक्योरिटी यही है, जब हम बाबा की श्रीमत पर। बाप दादा सभी टीचर्स को की निमित्त बनने की हिम्मत देख खुश है, हिम्मत देखकर खुश, हिम्मत रख निमित्त तो बन ही जाते हो। टीचर निमित्त बनना अर्थात बेहद की स्टेज पर हीरो पार्ट बजाना। जैसे हद की स्टेज पर हीरो पार्टधारी आत्मा की तरफ विशेष अटेंशन होता है, ऐसे जिन आत्माओं के निमित्त बनते हो विशेष, वे और जनरल सर्व, विशेष वे और जनरल सर्व आत्माएं आप निमित्त बनी टीचर्स हो। उसी दृष्टि से देखते हैं, सभी का विशेष अटेंशन होता है, सभी का विशेष अटेंशन होता है ना, तो टीचर्स को अपने में भी विशेष अटेंशन रखना पड़े, विशेष अटेंशन रखना पड़े, क्योंकि सेवा में हीरो पार्टधारी बनना अर्थात हीरो बनना, अर्थात हीरो बनना। दुआएं भी टीचर्स को ज्यादा मिलती हैं, जितनी दुआएं मिलती हैं उतना अपने ऊपर ध्यान देना आवश्यक है। यह भी ड्रामा अनुसार
विशेष भाग्य है, विशेष भाग्य है। तो सदा इस प्राप्त हुए भाग्य को बढ़ाते चलो, 100 से 1000, 1000 से लाख, 1,00,000 से करोड़, 1,00,000 से पद्म, 1,00,000 से भी पद्मा पद्म। सदा इस भाग्य को बढ़ाते चलना है, इसको कहते हैं योग्य आदर्श टीचर। बाप दादा निमित्त बने हुए बच्चों का सिमरण जरूर करते हैं और सदा अमृत वेले बाबा क्या कहते हैं, वाह बच्चे वाह। किसके लिए, कौन सी आत्माओं के लिए, जो अमृत वे ले सुते पाए हो उनकी तो वाह वाह करेंगे नहीं। हाँ बाबा क्या करेगा, सोए वो को करेगा वाह बच्चे वाह। सवेरे सवेरे अमृत वेले उठकर बाबा की श्री मत पर बैठकर प्लानिंग बना रहे होंगे, बाबा ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, तब तो करेगा। कमेंट्री सुन रहे होंगे, गीत सुन रहे होंगे, सुनते रहो वो बहन जी की बातें, वो भाई जी की बातें, कमेंट्री सुनते रहो, वो सुना रहा है आप, गीत किसी ने गा रखा है, सुनते रहो, सुनो सुनो सुनो। हाँ खुद भी तो करना है। बाबा की श्रीमत पर बैठकर अपने आप को सारे दिन की दिनचर्या सेट करा रहे हो, सारे दिन का प्रोग्राम सेट कर रहे हो बाबा की श्रीमत पर, तो बाबा खुश होगा। वे कर रहे हो ना आप, बाबा की श्रीमत बैठकर अपने को समझा रहे हो, अपने को सुधार रहे हो, तो बाबा कहेगा ठीक है अच्छा बच्चे वेरी गुड वेरी गुड, करो करो शाबाश। कमेंट्री सुनने से तो अपने को कुछ समझाते नहीं, उस टाइम तो उड़ रहे होते हैं, मैं उधर जा रहा हूं मैं उधर जा रहा हूं, उधर से ये आ रहा है उधर से वो आ रहा है, उड़ता रहे बेटे उड़ता रहे शाबाश, देखता रहे सपने। क्योंकि खुद को सुधारा बाबा की श्रीमत के अनुसार तब तो है, सुधारा नहीं तो क्या है। बैठकर समझाएंगे मन मना भाव करेंगे तो भी अपने को सुधार रहे हैं ना, वो तो हम कुछ कर ही नहीं रहे हैं, तो बाबा की याद नहीं। बाबा वाह बच्चे वाह नहीं कहेगा, नहीं कहेगा। ये दुआएं देते हैं सुना सेवाधारियों ने, वे सेवा करने वाले चाहे अपनी सेवा करो तो चाहे औरों की सेवा करो, हैं तो सारे सेवाधारी सुना सेवाधारियों ने, चाहे आप अपनी सेवा कर रहे हो तो भी सेवादारी हो, क्योंकि आपके अपने जीवन में सुधार आ रहा है तो सारा दिन आपका संबंध संपर्क में व्यवहार अच्छा होगा। क्योंकि आप अपने आप को सुधारेंगे तो आप सबके साथ सारा दिन व्यवहार कुशल रहेंगे, कोई आपसे नाराज नहीं होगा। टीचर्स माना नंबर वन सेवाधारी। अच्छा
चारों ओर के अनेक कल्प, न्यारा और प्यारा मिलन मनाने वाले सदा प्राप्त हुए वर्षे को, खजाने को हर समय प्रमाण कार्य में लगाने वाले, सदा दिल से अति स्नेही और बाप समान बन स्वयं द्वारा बाप का अनुभव कराने वाले, सदा स्मृति स्वरूप सो भक्तों द्वारा समर्थ स्वरूप बनने वाले, सदा अपने प्राप्त भाग्य को बांटने वाले अर्थात बढ़ाने वाले, ऐसे मास्टर दाता समर्थ बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। डबल विदेशी भाई बहनों से ग्रुप वाइज मुलाकात। नंबर एक, सभी अपने को बहुत बहुत भाग्यवान समझते हो क्योंकि कभी स्वप्न में भी संकल्प नहीं होगा कि ऐसी श्रेष्ठ आत्माएं बनेंगे। सोचा था हमने सपने में, लेकिन अभी साकार में बन गए। देखो कहां कहां से बाप दादा ने रत्नों को चुनकर रत्नों की माला बनाई है। ब्राह्मण परिवार की माला में पिरो गए, कभी माला से बाहर तो नहीं निकलते हो। कोई भी माला की विशेषता और सुंदरता क्या होती है? दाना दाने के साथ मिला हुआ होता है। हम आपस में मिलकर नहीं चलेंगे, अगर बीच में धागा दिखाई दे, दाना दाने के साथ नहीं लगा हुआ हो तो सुंदर नहीं। तो आप ब्राह्मण परिवार की माला में हो अर्थात सर्व ब्राह्मण आत्माओं के समीप हो गए हो, जैसे बाप के समीप हो वैसे बाप के साथ साथ परिवार के भी समीप। क्योंकि ये परिवार भी इस पहचान से क्या है, परिचय से भी मिलता है। परिवार में मजा आता है ना, ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मजा आता है, ऐसे नहीं कि सिर्फ बाप की याद में मजा आता है। योग परिवार से नहीं, योग परिवार से नहीं लगाना है, लेकिन समीप एक दो के रहना है। कितना बड़ा परिवार है। जिस समय मुरली चल रही है ढाई लाख, इतना बड़ा 2.5 लाख का परिवार कोई का होगा 2.5 लाख का परिवार? फिर ब्रैकेट में लिखा, ये भी उस समय का, अभी तो 9-10 लाख से भी बड़ा परिवार है। ये भी जब ब्रैकेट में लिखा उस समय जब ये मुरली चलाई होगी, पता नहीं, 90 में तो 2.5 लाख थे,
उसके बाद कभी मुरली करेक्शन किया होगा तो उसमें लिखा है 9-10 लाख, या आज की डेट में ये लिख रहा है मुरली बनाने वाला कि 9-10 लाख से भी बड़ा परिवार है। तो परिवार अच्छा लगता है या सिर्फ बाबा अच्छा लगता है? जिसे सिर्फ बाबा अच्छा लगेगा वे परिवार में नहीं आ सकते। बाप दादा परिवार को देख सदा हर्षित होते हैं और सदा एक दो की विशेषता को देख हर्षित रहते हैं। हर ब्राह्मण आत्मा के प्रति यही संकल्प रहता है कि वह ब्राह्मण आत्मा वाह, देखो बाप का बच्चों से इतना प्यार है, तब तो आते हैं ना, तब तो आते हैं ना, नहीं तो ऊपर बैठकर मिल ले। सिर्फ ऊपर से तो बैठकर नहीं मिलते। आप विदेश से आते हो तो बाप दादा भी विदेश से आते हैं, सबसे दूर से आते हैं। मेरे से दूर तो कोई नहीं है, कितना दूर है? याद करो तो कुछ भी दूर नहीं है। आने में 1 सेकंड नहीं लगता, दूर है। और विदेशियों को आने में कितना टाइम लग जाता है? एक एक दिन लग जाता है, 2-2 दिन, 3-3 दिन लग जाते हैं उनको पहुंचने में। फ्लाइट से आएंगे, बॉम्बे में उतरेंगे या दिल्ली में उतरेंगे, फिर वहां से आने में भी टाइम लगेगा, ज्यादा लग जाएंगे ना। अहमदाबाद भी उतरेंगे तो भी आगे जाएंगे। लेकिन आते सेकंड में बाबा, आते सबसे दूर से। आप सभी भी सेकंड में उड़ती कला का अनुभव करते हो, सेकंड में उड़ सकते हो। इतनी डबल लाइट हो, संकल्प किया और पहुंच गए, परम धाम कहा और पहुंचे, ऐसी प्रैक्टिस है? कहां अटक तो नहीं जाते हो? परम धाम में 1 सेकंड में तब पहुंच सकते हैं जब संकल्प आना 1 सेकंड में बंद कर दे। 1 सेकंड में संकल्प आना बंद। अब कितनी देर तक संकल्प नहीं आते तब परम धाम में। प्रैक्टिस तो काम तो अभी तो करना अभी तो केवल संकल्पों की गति को काम करना है। अभी हमें 1 मिनट में यदि 10, 12, 15 संकल्प आते हैं तो उनमें से 8 आए, 7 आए, 6 आए, 5 आए, 4 आए, 3 आए, कम से कम 1 मिनट एक संकल्प में तो रुक सके। तो लास्ट तो यही होगा कि कोई संकल्प नहीं। कभी बादल तंग तो नहीं करते हैं। बादल क्या है? संकल्प। वही आ जाते हैं बीच में, रुक जा पहले ये तो सोच ले, फिर बाबा के पास जाइयो। रोटी बना दिया बालका की ना बनाई, तो पहले रोटी बना दूं फिर बैठूंगी, वो काम कर लूं फिर बैठूंगा, वो काम कर लूं फिर बैठ, फिर ना। ये बादल है। काम करते करते केयरफुल, संकल्प नहीं आना चाहिए तब परम धाम है, वरना नहीं। केयरफुल भी और क्लियर भी, ऐसे है ना। डबल विदेशी बच्चों को
आते ही सेंटर मिल जाता है, बहुत जल्दी टीचर बन जाते हैं। इसलिए सेवा की भी दुआएं, उनको सेंटर क्यों मिल जाता है भाई? वहां तो होते ही गिने चुने हैं ना भाई, अपने एरिया से एक आ रहा है भाई, वहां का कल्याण तूने करना है, कर अपना मुरली सुनाया कर, सेंटर इंचार्ज बन गया। अबेन जी कहां कहां जाएगी? लंदन में भाई सुना रहे थे कि हम 100 किलोमीटर से, 60 किलोमीटर से, 70 किलोमीटर से मुरली सुनने आते हैं। अब दीदी कहां कहां जाएगी? है नहीं, चाहे उसको 100 किलोमीटर से आने में 1.5 घंटा लगे या 2 घंटे लगे, मुरली सुनने के लिए आ रहा है, कोई 40 किलोमीटर से आ रहा है, कोई 30 किलोमीटर से आ रहा है। अब 30 किलोमीटर पर दीदी थोड़ा मुरली सुनाने जाएगी, कहां कहां सुनाने जाएगी? तो जो जहां से आ रहा है वो अपने एरिया का इंचार्ज है, सुना अपने वहां बैठकर। यहां तक सारे क्यों आए? तू सुन के जा, ठीक है। ज्योति पारक और मदनपुरी एक ही बात। इसलिए सेवा की भी दुआएं मिलती है, दुआएं मिलने की विशेष लिफ्ट मिलती है। साथ साथ आते ही इतने बिजी हो जाते हो जो और बातों के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। इसलिए बिजी रहने से घबराना नहीं, ये गुड साइन है। कई कहते हैं ना, लौकिक कार्य भी करें और फिर अलौकिक सेवा भी करें, और अपनी सेवा भी करें, ये तो बहुत बिजी रहना पड़ता है। लेकिन ये बिजी रहना अर्थात माया जीत बनना, ये ठीक लगता है या लौकिक जॉब करना मुश्किल है? लौकिक जॉब, नौकरी जो करते हैं उसमें जो कमाई होती है वो कहां लगाते हो? जैसे समय लगाते वैसे धन भी लगाते हो। तो तन मन धन तीनों ही लग जाते हैं, सफल हो जाता है ना। इसलिए थकना नहीं, सेंटर खोलते हो तो कितनी आत्माओं का संदेश सुनते हो, कितनी आत्मा का संदेश सुनते हो, कल्याण होता है। तो मन और धन का कनेक्शन है, यहां सुनाते होना चाहिए, मतलब जितनी कितनी आत्माओं को सुना, संदेश सुनाते हो, सेंटर खोलते हो तो कितनी आत्माओं को संदेश सुनाते हो, तो कल्याण होता है। सुनाएंगे तो कल्याण होगा ना उतनी आत्माओं को। सेंटर खोलना है तो किस लिए? उनकी सुनने के लिए थोड़ा, सुनाने के लिए। तो मन और धन का कनेक्शन है, जहां धन होगा वहां मन होगा, जहां मन होगा वहां धन होगा। बाप दादा डबल विदेशियों को सर्व प्रकार से सफल करने में बिजी देख खुश होते। सभी गोल्डन चांसलर हो, सदा याद रखना कि सफलता मूरत है और सदा सफलता मेरे गले का हार है। कोई भी कार्य करो तो पहले यह सोचो कि सफलता मेरे गले की माला है। जैसे निश्चय होगा, जैसा निश्चय होगा वैसा प्रत्यक्ष फल मिलेगा। अच्छा, दूसरा ग्रुप, ये स्वीट साइलेंस प्रिय लगती है ना,
क्योंकि आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप ही स्वीट साइलेंस है। तो जिस समय चाहो उस समय इस स्वीट साइलेंस की स्थिति का अनुभव कर सकते हो, क्योंकि आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो गई। आत्मा अभी इन बंधनों से मुक्त हो गई, इसलिए जब चाहे तब अपनी ओरिजिनल स्थिति में स्थित हो जाए। तो बंधन मुक्त हो गए या होना है, इस बार मधुबन में दो शब्द छोड़कर जाना। कौन से दो शब्द मधुबन में छोड़ के आने हैं या अभी हम छोड़ सकते हैं? एक समथिंग, एक सम टाइम। समथिंग थोड़ा, सम टाइम थोड़ा टाइम, ये दो शब्द छोड़ के जाए। कितना बाबा से खजाना चाहिए? समथिंग। कितना याद किया? समथिंग। समथिंग का हिंदी में शब्द आता है यथा, यथाशक्ति। पूरा नहीं ना, बाबा से पूरा लेना है कि थोड़ा थोड़ा लेना है? सम क्यों, सम टाइम क्यों, कभी कभी क्यों, निरंतर? तो यहां पर मधुबन में कौन से शब्द छोड़ के जाने आज आपको? यथा, कभी कभी वाला टाइम, और कभी कभी याद करने वाला टाइम। कभी कभी सुना, कभी कभी किया, कभी, ये दो शब्द छोड़ना पसंद है ना? निरंतर और सारा, निरंतर और सारा, और आधा थोड़ा ये सब छोड़ दो। सब छोड़ेंगे या कोई साथ ले जाएंगे? अभी थोड़ा थोड़ा, अभी तो नहीं छोड़ते, बाद में छोड़ेंगे। अभी तो कभी कभी कर लेते हैं, फिर परमानेंट करेंगे, घर के झमेले से छुट्टी मिल जाए। ये तो समर्पित है इनका क्या है? हाँ जी, ये तो समर्पित है इनका क्या है? हिम्मत रखने से मदद मिल जाएगी, क्योंकि ये तो जानते हो 63 जन्म अनेक बंधनों में रहे हैं और एक जन्म स्वतंत्र बनने का है। इसका ही फल अनेक जन्म जीवन मुक्ति प्राप्त करेंगे। तो फाउंडेशन यहां डालना है। जब इतना फाउंडेशन पक्का होगा तब तो जन्म चलेंगे, 21 जन्म चलेंगे। जितना अपने में निश्चय करेंगे उतना ही नशा होगा। बाप में भी निश्चय, अपने में भी निश्चय, और फिर ड्रामा में भी निश्चय। तीनों निश्चय में पास होना है। अच्छा, एक एक रत्न की अपनी विशेषता है। बाबा के हर रत्न की क्या है? विशेषता। बाप दादा सबकी विशेषता को जानते हैं। अभी आगे चलकर अपनी विशेषता को और कार्य में लगाओ तो विशेषता बढ़ती जाएगी। दुनिया में खर्च करने से धन कम होता है, लेकिन यहां जितना यूज करेंगे, खर्च करेंगे, उतना बढ़ेगा। सभी अनुभवी हो ना, तो इस वर्ष का यही वरदान याद रखना कि हम विशेष आत्मा हैं और विशेषता को कार्य में लगाकर और
आगे बढ़ाएंगे। जैसे यहाँ नजदीक बैठना अच्छा लगता है, वैसे वहां भी सदा नजदीक रहना। बाप दादा सदा हर एक बच्चे को इसी श्रेष्ठ नजर से देखते हैं कि एक एक बच्चा योगी भी है और योग्य भी है। अच्छा, आज का वरदान, दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं को परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भाव। दूसरे बदले या ना बदले वो उनका रोल है, मुझे तो मेरे रोल को देखना है, मुझे परिवर्तन करना है। दूसरों के परिवर्तन की चिंता छोड़ स्वयं को परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भाव। स्वपरिवर्तन करना ही शुभ चिंतक बनना है। यदि स्वयं को भूल दूसरे के परिवर्तन की चिंता करते हो तो ये शुभ चिंतन नहीं है। पहले वो कमी वो गलती अपनी ठीक करो, फिर दूसरे को ठीक करो। पहले स्वयं और स्वयं के साथ सर्व। यदि स्वयं का परिवर्तन नहीं करते और दूसरों के शुभ चिंतक बनते हो तो सफलता नहीं मिल सकती। इसलिए स्वयं को कायदे प्रमाण चलाते हुए स्वयं के पक्का परिवर्तन करो। इसी में क्या है, ही फायदा है, कल्याण है। बाहर से कोई फायदा भल दिखाई ना दे लेकिन अंदर से हल्कापन और खुशी की अनुभूति होती रहेगी। आज का स्लोगन है, सेवाओं का सदा उमंग है तो छोटी छोटी बीमारियां क्या हो जाएंगी, मर्ज हो जाएंगी। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। और यदि कोई प्रश्न पूछना हो तो 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।